नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्की मीना अर्निंग ट्रिक के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीसी टास्क अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन को लेकर काफी भाइयों के मेरे पास कमेंट एंड मैसेज आ रहे थे, विक्की भाई जो आरपीसी टास्क अर्निंग एप्लीकेशन है इसका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो दीजिए, जिससे कि क्लियर हो जाए ये जो एप्लीकेशन है कब लॉन्च हुआ, एप्लीकेशन कब क्लोज हो सकता है, एप्लीकेशन रियल है या फेक है, एप्लीकेशन पर इन्वेस्ट करने से हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एप्लीकेशन पर हमें क्या करना चाहिए। तो आप अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं आरपीसी टास्क अर्निंग एप्लीकेशन की, तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना है। 100% आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा आरपीसी टास्क एप्लीकेशन का, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप इन फ्यूचर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वो भी बिना किसी रिस्क के मेरे साथ एक्टिव रहकर, तो उसके लिए आप करके आ सकते हैं ये जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और ये जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। इन्हें ज्वाइन करने से यही फायदा है, अगर भविष्य में कोई भी बेस्ट एप्लीकेशन आएगी या कोई फ्री लूट आएगी तो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप भी चाहते हैं कि आपका सिर्फ प्रॉफिट हो लॉस ना हो, तो उसके लिए आप ये टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करेंगे जो आरपीसी टास्क अर्निंग एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन लॉन्च कब हुई है, ये एप्लीकेशन क्लोज कब होगी, ये एप्लीकेशन पर इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर वॉच करना। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो भाई देखो, इसका मैं कुछ डेटा निकाला हूं तो यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर देखो ये तो हो जाता है, यहां पर आप देखेंगे इसका कंप्लीट डेटा। तो ये एप्लीकेशन जो भाई लॉन्च हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, ये एप्लीकेशन हुआ है 25 फरवरी 2024। तो 25/2/2024 को ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है और आज की जो डेट है वो है 28 सितंबर। तो एप्लीकेशन को 7 मंथ यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, 7 महीने 3 दिन आज की डेट में हो चुके हैं। 28 सितंबर को जब मैं ये वीडियो आपको अपडेट वीडियो दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इस एप्लीकेशन को 7 महीने 3 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी भाई अभी के टाइम इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं या फिर यूज करने की सोच रहे हैं, तो ये चीज आप पहले जान लो, एप्लीकेशन को 7 महीने 3 दिन हो चुके हैं क्योंकि एप्लीकेशन 25 फरवरी को लॉन्च हुआ है। अब हम बात करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन है रियल है या फेक है। तो सबसे पहले देखो, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये एप्लीकेशन का होम इंटरफेस, जिसमें आप देखेंगे द लेटेस्ट अनाउंसमेंट। इसमें एक अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने अदर जो टास्क अर्निंग एप्लीकेशन है उसमें देखते हैं उसी तरीके से इसमें भी इन्होंने दिया है। इन्होंने दिया है रेफरल बोनस एक्टिविटी। अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं और वो यहाँ पर T1, यहाँ T1 का मतलब वही है VIP1, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपको यहाँ पर जो रिवार्ड मिलेगा ₹252 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। वैसे आपको यहाँ पर ₹200 तो मिलते ही है, लेकिन साथ ही में 252 और, यानी कि टोटल आपको एक इनवाइट का 452 मिलेगा। जिसे आपने इनवाइट किया है वो यहाँ पर प्लान अपग्रेड करता है तब, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है, अगर आपने किसी को इन्वाइट किया वो डायरेक्टली VIP2 लेता है तो आपको ₹720 का यहाँ पर रिवार्ड मिलेगा और ₹800 आपको पहले से मिलता है। तो आप खुद समझ सकते हो एप्लीकेशन यहाँ पर इनवाइट करने पर कितना ज्यादा पैसा दे रही है, और ये एप्लीकेशन भी चाह रहा है कि इस एप्लीकेशन पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग रिचार्ज करें, क्योंकि यहाँ पर देखो जो रिवार्ड दिया जा रहा है वो रिवार्ड तभी है जब आप जिसको इनवाइट करें वो यहाँ पर रिचार्ज करें, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना, एप्लीकेशन यहाँ पर इस वजह से ये यहाँ पर जो प्लान इवेंट ओपन किए हैं वो इसीलिए किए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा रेफर करें और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज आए, ठीक है। तो भाई देखो, क्या आपको यहाँ पर किसी को रेफर करना है, क्या यहाँ पर रिचार्ज लाना सही रहेगा, क्या इस एप्लीकेशन पर अभी काम करने से प्रॉफिट हो सकता है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो भाई यह एप्लीकेशन को 7 महीने 3 दिन हो चुके हैं, तो अभी के टाइम काफी लोगों को यह भी कंफ्यूजन है कि ये जो आरपीसी टास्क अर्निंग एप्लीकेशन है यह एप्लीकेशन गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, यह एप्लीकेशन लाइफ टाइम अर्निंग देने वाला है। तो ऐसा अगर आप सोचकर इस एप्लीकेशन पर काम करने जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मेरे भाई ये जो आरपीसी टास्क अर्निंग एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। इस एप्लीकेशन को आप ट्रस्टेड एप्लीकेशन नहीं बोल सकते। ये जो एप्लीकेशन है इनसे आप पैसा तो अर्न कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप लाइफ टाइम सोचो कि इस एप्लीकेशन से लाइफ टाइम पैसे कमाए। देखो, इन एप्लीकेशन का कोई कंप्लीट यहां पर फिक्स डेट नहीं है कि इतने दिन चलने वाला है, ठीक है।
एप्लीकेशन, इन एप्लीकेशन से पैसे आप तभी कमा सकते हो ये जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हो। बेस्ट एप्लीकेशन जब भी लॉन्च होता है, देखो एप्लीकेशन 7 महीने चला है, अगर ये एप्लीकेशन एक महीने, अगर आपने एप्लीकेशन आने के 1 महीने के अंडर इसे ज्वाइन कर लिया होगा, 100% आपने यहाँ पर 3 से 4 गुना पैसा अर्न कर लिया होगा। लेकिन अभी के टाइम अगर इस एप्लीकेशन पर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, अगर ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो कि ये गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, ये एप्लीकेशन कभी भी क्लोज नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि यह एप्लीकेशन गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे जितने भी टास्क अर्निंग एप्लीकेशन पहले आ चुके हैं या फिर अभी चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं थे, ना है, ना होंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एप्लीकेशन के नाम पर जरा ध्यान कम दिया करें, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन के नाम देते हैं किसी ना किसी रियल कंपनी के नाम पर ये नाम लाते हैं, जिससे होता क्या है कि जिन नाम तो उनका यूज करेंगे और डोमेन भी डुप्लीकेट डोमेन, एक डुप्लीकेट डोमेन उसी कंपनी के नाम पर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं एरर तो होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम टू सेम बना दें, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है, चाहे पॉइंट लगा दें, चाहे कोई भी एक अंक यहां पर चेंज कर दें, लेकिन वह सेम नहीं होता है। लेकिन ये नाम रियल कंपनी का नाम यूज करने से इसे इन लोगों को ये फायदा होता है, काफी लोगों को यहाँ पर ट्रस्ट हो जाता है कि भाई ये रियल कंपनी है, इतने सालों से चल रही है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा 7 महीने 3 दिन से ये एप्लीकेशन चल रही है, इस एप्लीकेशन पर आपको नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई एप्लीकेशन जितनी भी टास्क अर्निंग एप्लीकेशन होती है हाईएस्ट 8 मंथ चलती है, एप्लीकेशन 7 महीने 3 दिन हो चुके हैं, एप्लीकेशन आने वाले 15 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से क्लोज हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन का मुझे लगता है जो चलने का, जो भाई इनका चलने का वैलिडिटी था वो पूरी तरीके से क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी न्यू यूजर है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल भी आपको गलती से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और जिन भाइयों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है वह यहाँ पर अपना पैसा डेली बाई डेली विड्रॉल करो, क्योंकि भाई काफी लोगों को यहाँ पर विड्रॉल प्रॉब्लम भी हो रही है, अगर विड्रॉल प्रॉब्लम यहाँ पर होना स्टार्ट हो गई ना तो सभी को विड्रॉल प्रॉब्लम होगी, फिर वो पैसा विड्रॉल नहीं होगा। ये चीज याद रखना, कहीं आप ये सोच रहे हैं कि पैसा तो हम कर ही लेंगे विड्रॉल, अगर इस रूल में आप अपना पैसा विड्रॉल नहीं करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपका टोटल पैसा यहाँ पर लॉस हो जाएगा अगर आपने अपना पैसा विड्रॉल नहीं किया। तो आपको यहाँ पर अपना पैसा विड्रॉल करते रहना है, और इस एप्लीकेशन पर बिल्कुल भी आपको नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और ना ही किसी को इन्वाइट करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराना है। अगर आप यहाँ पर किसी को इन्वाइट करा भी देते हैं और वो रिचार्ज कर लेगा, आपको रिवार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन वह रिवार्ड आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ने इवेंट निकाल दिए। तो इस एप्लीकेशन पर अब आपको किसी को भी यहां पर कोई रिचार्ज नहीं करना है, एप्लीकेशन 7 महीने 3 दिन ओल्ड हो चुका है, आप खुद समझदार हैं यहां पर कितना ज्यादा रिस्क है, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे हो सकता है आपका पहला ही विड्रॉल ना मिल पाए, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। काफी भाई बोल रहे थे कि एप्लीकेशन जब पेमेंट नहीं आ रहा है, देखो भाई पेमेंट नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप कस्टमर सर्विस, यहाँ पर एक कस्टमर सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करना और इनसे आप कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर इनका जो भी आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो अभी सॉल्व करा सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे यहाँ पर कस्टमर सर्विस है। ठीक है, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेना और जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कराओ और अपना विड्रॉल निकाल लो, यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट मत करो, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये वीडियो मैंने बस इसी पर्पज से बनाया, काफी लोगों के मेरे पास कमेंट एंड मैसेज आए, विक्की भाई आरपीसी एप्लीकेशन की लॉन्चिंग डेट तो मैंने आपको बता दी, 25 फरवरी को ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, एप्लीकेशन को 7 महीने 3 दिन हो चुके हैं, एप्लीकेशन गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है और एप्लीकेशन कभी भी क्लोज हो सकता है, एप्लीकेशन में विड्रॉल प्रॉब्लम अभी के टाइम कुछ लोगों को चल रही है, और आने वाले इसी वीक में आपको काफी ज्यादा विड्रॉल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, नए नए इवेंट देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो भाई आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में इस टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, अगर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट मुझे मिलेगा सबसे पहले शेयर कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।